जैसे ही बताया था मैंने इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डाली है, मिल्क डाला है और चीनी डाली है, और मैंने इसको ग्राइंडर में फिट कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो कप जो है वो सजा ली है। लोगों को बताते चलूँ कि मैंने अपने घर वालों को टेस्ट करा दिया है, वो कह रहे हैं बहुत टेस्टी है, बहुत यमी है, वेल प्लेट बच्चों। रेसिपी शेयर करूँगी, तब तक के लिए बस इसी में बने। बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेदास किचन एंड ब्लॉगिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रेसिपी लेके हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। तो उसी के लिए मैं स्ट्रॉबेरी वगैरह फ्रिज वगैरह से निकाल रही हूँ, दूध वगैरह निकाल रही हूँ, और मैं आपको पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। जब तक के लिए इस ब्लॉग के अंदर बने रहें। वगैरह खोल के स्ट्रॉबेरी निकाल के अब आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तब तक के लिए बस इसी में बने रहें। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी ले ली है, तो कुछ स्ट्रॉबेरीज वगैरह ले लेती हूँ, उसको अच्छी तरीके से काट लेती हूँ। काट लेने के बाद आप लोगों को बताऊँगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ डाल के मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है। तब तक के लिए पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, बस आप लोग इसी व्लॉग के अंदर बने रहें। ये रेसिपी व्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी, तब तक के लिए बस ऐसे ही बने रहें। आप लोग देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने ऐसे काट ली है। काट लेने के बाद अच्छे से धो लिया है। धो लेने के बाद मैंने जग ले लिया है, इस जग में स्ट्रॉबेरी डालती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालूँगी। देखिए आप, स्ट्रॉबेरी शामिल करा इसके अंदर मैंने। फिर इसके अंदर मैंने दूध है मेरे पास तकरीबन एक कप के करीब तकरीबन मैंने दूध शामिल किया है इसके अंदर। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है। तो अब आप लोग देख सकते हैं चीनी है, चीनी जो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा शेक पसंद है तो आप मीठा रखें, मैं नॉर्मल ही डालूँगी। तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो चीनी डालूँगी। उसके बाद इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि यह है कैसा टेस्ट, इस करके बताऊँगी इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। स्ट्रॉबेरी डाला है, मिल्क डाला है और चीनी डाला है। बस नहीं, मैंने जग में जो है वो स्ट्रॉबेरी डाला है, चीनी डाला है और दूध डाला है, और 2 कप जो है वो यहाँ पर सजा ली है। अब बस इसको ग्राइंड करना है और कोई काम नहीं है। बिल्कुल बहुत इजी सी रेसिपी है, बस बहुत आसान है। बस इसको ग्राइंड वगैरह करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तब तक के लिए बस सकते हैं शेक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको ग्लास में लगा के आप लोगों को टेस्ट वगैरह करके बताया, शेक जो है वो बिल्कुल रेडी है, अच्छी तरीके से ग्राइंड जो हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। आप लोगों को टेस्ट वगैरह करके बताती हूँ, और आप लोग देख सकते हैं शेक जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको ग्लास वगैरह में निकालती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। इसको ढक्कन खोल के इस गिलास में और इस गिलास में दोनों में भर के अपने घर वालों को भी टेस्ट कराती हूँ और अम्मी को भी टेस्ट कराती हूँ, और उनका भी रिव्यू देखती हूँ कि उन लोगों ने कितने पॉइंट। टेस्ट कराती हूँ और अम्मी वगैरह को भी टेस्ट कराती हूँ और उन लोग से पूछती हूँ कि वो मुझे कितना रिव्यू देते हैं इसका। अब दूसरे कप में भी ये शेक निकाल लेती हूँ। वाह, कितना टेस्टी लग रहा है, कितना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया यम्मी लग रहा है। बस आप लोगों को ऐसी मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और आप लोगों को टेस्ट वगैरह करके बता लोगों को बताती चलूँ कि मैं स्ट्रॉबेरी शेक अपने भाई को और अम्मी को वगैरह को टेस्ट करवाने जा रही हूँ कि कैसा बना है। टेस्ट करवा वगैरह के आप लोगों को बताती हूँ, तब तक के लिए बस ऐसे टेस्ट कर लिया है, वो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा बना है, मैंने भी टेस्ट करके देख लिया है बिल्कुल अच्छा बना है। यहीं पर मैं अपनी वीडियो घर वालों ने भी टेस्ट कर लिया है, वो कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा बना है, बिल्कुल टेस्टी बना है। और आप लोग इसकी देख सकते हैं, मेरे घर वालों ने टेस्ट करके बता दिया है बिल्कुल अच्छा बना है। आप लोग अपने फैमिली के साथ भी इसको बना के ट्राई करें मेरी रेसिपी की मदद से। और यहीं मैं अपनी रेसिपी को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक मिलती हूँ आप लोगों के न्यू वीडियो रेसिपी लेके, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।